Hey guys, welcome again. आज मैं मेरी फर्स्ट ट्रिप 2021 की इस वीडियो में शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया था. यस, मीन्स कहाँ पे जाना है, कैसे हम होल सिटी को एक दिन में कवर कर सकते हैं बाय वॉक. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो देयर इज़ ए लॉट टू सी इन हैंड, लाइक रिवर, चर्चेस, ओल्ड कैसल्स, ओल्ड हाउसेस, बिल्डिंग, म्यूजियम, मोनूमेंट्स, पार्क, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए. तो देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे एक एक करके 5 तक हम कंप्लीट करेंगे. गेटिंग टू हैंड इज़ वेरी ईजी. लाइक ट्रेन लेके सेंट पीटर्सन, हैंड सेंट पीटर्सन का ट्रेन ले सकते हैं, और ये ब्रुसेल से भी काफ़ी दूर नहीं है. वहाँ से गाबेंस्टीन 30 मिनट्स का वॉक है. इफ़ यू कांट वॉक देन यू कैन टेक बस, और ट्राम स्टेशन के सामने ही अवेलेबल रहती है. हर टाइम, हर 4-5 मिनट्स में आपको ट्राम एंड बस मिल जाती है. स्टार्ट करते हैं ग्राफेंस्टीन से. ग्राफेंस्टीन वेरी ओल्ड कैसल है, जो 1180 में बनी थी. काफ़ी बड़ी एरिया में है और पूरी की पूरी स्टोन कैसल है. इस मूव करते हैं ग्राफिटी स्ट्रीट. दिस इज अ स्ट्रीट ऑफ आर्ट, या लाइक ये एक लेन के जैसे, इतना लंबा नहीं है, छोटा सा एक गली के जैसे, लेन के जैसे है, और दोनों साइड उसका में उन्होंने आर्ट किए हुए हैं. ग्राफिटी स्ट्रीट के पास ही ये है सिटी हॉल और टाउन हॉल बिल्डिंग. ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी सारे विंग्स में डिवाइड है. एक विंग्स तो है स्टार्डहर्स के जस्ट स्ट्रेट में ही, स्ट्रेट सामने ही आपको दिख जाएगा स्ट्रेट सेंट निकोलस चर्च. दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ हैंड. सेंट निकोलस के जस्ट ऑपोजिट साइड में ही है सेंट बाबू चर्च. इसको बेलफ्राई भी बोलते हैं. तो आफ्टर सेंट बाबो और बेलफ्राई वी आर मूविंग टूवर्ड्स कैसल ऑफ गराल्ड डेविल. ये सोल्जर गराल्ड बिलन के नाम से ये कैसल का नाम दिया हुआ है, गराल्ड द डेविल. उसके जस्ट साइड में ही है गाइस वैन एक ब्रदर मोनूमेंट. 1913 में वर्ल्ड एक्सपो हुई थी हैंड में, उसी टाइम ये स्टैचू बनाई गई थी. पूरी की पूरी स्टैचू ब्रॉन्ज में है. यहाँ से हम मूव करेंगे कोरियन मार्केट की तरफ. ये मेन मार्केट स्क्वायर है. ऑल टाइप्स ऑफ कैफेज, रेस्टोरेंट, स्टोर्स, एशियन ग्रोसरीज, स्पेशल एशियन मार्केट्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे. कोरियन मार्केट से हम मूव करेंगे सेंट माइकल्स ब्रिज. दिस इज़ द प्लेस फॉर रोमांटिक हार्ट. यस गाइस, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू टेक पिक्चर. कोई भी एंगल से आप फोटो ले लो, 100% वो मस्त आने वाली है. So this is Portusganda. This is famous for the view of sunset and sunrise. If you have time and if that possible for you, then must cover this place Portusganda. बहुत ही सुंदर sunset and sunrise के picture आते हैं. तो आप पूरा city दिन में cover कर लो, और sunset point में, sunset के time ये point में जाके आप relax कर सकते हो. हैंड के बारे में. आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू अ लॉट टू प्लान हैंड. एंड इफ यू आर इन बेल्जियम, और बेल्जियम आए हो घूमने के लिए, तो मस्ट इंक्लूड हैंड इन योर ट्रैवल लिस्ट. एंड हैव अ नाइस ट्रिप गाइस. बाय गाइस.